तो 99% बच्चे की You can see to this that from first floor to the second floor to the second floor. चैनल आई होप आप लोग अच्छे से होंगे, प्यार से होंगे, खुश होंगे अपने अपने घरों में। तो फिलहाल तो हम अपने इस आसियाना में ही खुश रह रहे हैं, घर पे तो रह नहीं रहे। किसी का कमेंट आया था कि आपके घर के ब्लॉग्स को बहुत ज्यादा मिस करते हैं, तो लिटरली आप हमसे पूछो तो वो दर्द हम आप लोगों को बता सकते हैं। फर्स्ट टाइम इस तरह से कहीं जाके रहना और घर वालों को मिस करना, लाइक कल हमको बस मानू का याद आया था पहले, उसके बाद धीरे धीरे करके सबका याद आने लगा। भाई बहुत मुश्किल है यार अकेले रहना। तो चाय के रिप्लेसमेंट में यहाँ पे हम बनाए हैं गर्म पानी और उसमें ऐड कर दिए नींबू। तो चलिए इसी के साथ आज हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं और आप लोग भी मेरे ब्लॉग्स में मेरे साथ बने रहिएगा। आज का आउटफिट, अभी हेयर स्टाइल का कुछ भी नहीं किया है, बाकी चले सबसे पहले तो हम लोगों को पूजा करना है, पूजा के बाद फिर बनाएंगे अपना लंच। लंच में हम सोच रहे हैं सिंपल सा पोहा बना देते हैं, वही सोच रहे थे देर से, मतलब प्लान था कि पुलाव वगैरह बना लेते हैं, बट हम सोचे कि पोहा बना लेते हैं, वो ज्यादा बेटर होगा। चलिए मेरा ब्रेकफास्ट लंच दोनों तो बन ही रहा है और उतने देर में हम ना अपना टू डू लिस्ट बना लिए कि आज के हमको क्या क्या करने का है। देखो आज फाइनली हमने इस भुजिया का पैकेट को खोल लिए, तो सोचे इसको डब्बे में डाल देंगे, बट ऐसा कोई डब्बा नहीं है, तो ये चूड़ा वगैरह का डब्बा ना तो उसी में रख देंगे, नहीं तो रबड़ लगा के रख देंगे। अभी ये इसलिए फाड़े क्योंकि पोहा के साथ ना ये अच्छा लगेगा। पता नहीं यार कोलकाता का आलू का एक अलग ही सीन है, जल्दी से पकता ही नहीं है यार, नो टाइम लगता है इसमें। खैर कोई ना यार, ना टीचर्स डे, टीचर्स डे का कुछ भी अभी हमको नहीं लग रहा है क्योंकि आज जो 11 बजे से क्लास स्टार्ट होने वाला है, फाइनली जाके 3:30 बजे वो खत्म होगा, तो किस टाइम टीचर्स डे होगा, आई थिंक 4 बजे के बाद होगा। तो हम सोच रहे हैं कि जब तक मेरा उधर ब्रेकफास्ट बन रहा है, मेरे पास बहुत सारा टाइम भी है, तो जो जो चीज़ का आज क्लासेस है ना उसका रिविजन कर लेते हैं। जैसे आज मार्केटिंग का क्लास है, अकाउंट्स का क्लास है, अकाउंट्स इंपॉर्टेंट है, नहीं तो मैम कुछ पूछती ना। मार्केटिंग का तो ज़्यादा उस दिन हुआ नहीं था कुछ, बस सर पॉइंट्स वगैरह लिखाए थे, वो भी लिखाए नहीं थे, मतलब सर जो भी बताते हैं ना क्लास में तो उसको हम लिख लेते हैं, 3 क्लास का रिवीजन कर लेते हैं, और जो चौथा क्लास है ना वो एकदम न्यू है, वो हम आप लोगों को बताएंगे किस चीज़ का है। ठीक है, तो ब्रेकफास्ट में भी सोचे कि चलो थोड़ा सा पोहा खा लेते हैं, बन चुका है लंच मेरा, एंड इधर बिजनेस वाला क्लासेस कंप्लीट हो चुका है, अभी अकाउंट्स का रिवीजन स्टार्ट करेंगे। पहले ना हम इसको ट्राई करना चाहेंगे क्योंकि ना हमको वो चूड़ा से ना कुछ अच्छा वाइब नहीं आ रहा है, क्योंकि ना एक्चुअल में क्या हुआ ना, वो मेरा जो स्टोर बॉक्स जिसको हम बनाए हैं उसमें सारा सामान तो स्टोर कर दिए ग्रोसरी का जितना भी घर से लाए थे, और साथ ही में ना उसमें साबुन रख दिए, हमको ध्यान नहीं था इस चीज़ का क्योंकि आइडिया नहीं है ना कि साबुन का स्मेल आ जाएगा, और हमको लग रहा था ऐसे साबुन का स्मेल आ गया, गरम गरम पता नहीं चल रहा भाई, पता नहीं आगे क्या होगा। चलो ये जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं हम लोग। सोचे थे क्या ये वाला सैंडल पहन लेंगे, देखते हो पहने जैसे वैसे टूट गया, टूटा नहीं मतलब हल्का से घिसक गया जगह से, को छोड़ दिया ऐसे। तो रिवीजन करके क्लास जाने का ना एक अलग ही सुकून है यार, लग रहा है क्या कि अभी सर क्लास में कुछ भी बोलेंगे ना तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलो रिवीजन वगैरह हो गया, उसके बाद फिर मेरा जो लंच था लंच अच्छे से ले लिए, और क्या हुआ ना वो दाल मोट और सीओ ना अलग से टिफिन में लेने तो ना वो साथ में रखते तो पूरा में आ जाता, और टीचर्स डे का आज कॉलेज में क्या होने वाला है हमको कोई आइडिया नहीं है, तो चलिए देखते हैं, अटेंड करते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को भी। यहाँ जो है ना कोलकाता में बारिश ही हो रहा था तो अच्छा था यार, ना धूप निकलने लगा है ना कि क्या ही बोले, बहुत ज़्यादा गर्मी है। खैर अभी पहुँचने वाले कॉलेज, और इतना आज निश्चिंत होकर आए हैं ना क्योंकि आज मेरा जो पहला क्लास है वो है 11 बजे, और अभी हो रहा है 10:40, 20 मिनट और पहले आए। लेट से अगर रेगुलर कॉलेज हो जाता तो फिर कितना मज़ा आता ना, एकदम निश्चिंत होकर सारा काम करते, लेकिन ना एक तरह से वो भी अच्छा है, उसमें पता है 5 बजे उठते हैं 6 बजे उठते हैं तो वो भी बढ़िया है, सुबह सुबह उठ जाते हैं तो ऐसे ना इंसान और कोढ़ी हो जाता है। बाकी आज के लिस्ट में तो मेरा काफ़ी सारा काम है, मतलब मेरे टू डू लिस्ट में आज बहुत सारा रिविज़न करना है, रिसर्च करना है एंड ऑल, सारा कुछ आप लोग साथ शेयर करें
करेंगे। एंड देखो कॉलेज में क्या होने वाला है वो तो मेरे लिए भी सरप्राइज है और आप लोगों के लिए भी सरप्राइज है, तो पूरे वीडियो में बने रहिएगा। पूरा शान शान दिख रहा है कॉलेज और मेरा क्लास इस वाली बिल्डिंग में है। इंटर करने के बाद लगता है थोड़ा सा सुकून में आ गया गाइस, गर्मी से एकदम हालत ख़राब हो जाता है, बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ। अभी तो खाली खाली दिख रहा है, लिफ्ट भी खाली होगा, चलो लिफ्ट से ही चलते हैं। क्लास के बाहर देख रहे हो भीड़, आई थिंक मेरे क्लास में ना किसी और का प्रोसेस चल रहा है। गाइस हम आप लोगों को एक चीज़ दिखाने के लिए इधर आए, ठीक है, कुछ दिखाएंगे, मैचिंग कर दी है हमने, बात कर रहे हैं यहाँ पे रखते हैं ना, यहाँ ज़्यादा बढ़िया। आज हम दोनों ने ट्यूनिंग किया है ड्रेस। हम लोग सोचे ना डांस करेंगे टीचर्स डे में, हमको तो नहीं आता है, हम लोग देखे तो हमारा जो फर्स्ट क्लास होने वाला है वो है मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट। चलिए हम करते हैं, मतलब टाइम हो चुका है, सब सर आ जाएंगे। गाइस पोज दे दो थोड़ा कैमरे पे। पता है अभी तुम लोगों का किसी का क्लास नहीं है ना? नहीं, बस मेरा क्लास है, भी जर्मन का। पता है ये लोग अभी छुट्टी में, अच्छा तुम्हारे लिए, चलो हम दोनों मैच, मतलब हम दोनों सेम सेम, पहले लंच कर लेते हैं उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे क्लास के लिए। कैंटीन में तो एक भी चेयर एक्स्ट्रा नहीं है, हम चेयर तो पाने जा रहे हैं, चेयर ही नहीं है, हर जगह ही नहीं है जरा सा भी कैंटीन में, एक चेयर निकाले और एक चेयर का और इंतजाम किया जा रहा है। यहाँ पे फाइनली मतलब चेयर मिला, मतलब यहाँ आपको दो चेयर मिल गया, ठीक है, तो मेरा बैग वगैरह वहीं रह गया था, तो अपने फ्रेंड को बोले तुम बैग लेके आ जाओ यहाँ पे चेयर नहीं गया, भुजिया वगैरह अलग से लेके आते हैं। आई थिंक गाइस कॉन्फ्रेंस हॉल में आज टीचर्स डे का सेलिब्रेशन होने वाला, रुक के देख के बताते हैं। एक तो यहाँ पता ही नहीं चलता कौन जूनियर है कौन सीनियर है, कुछ बोल ही नहीं पाते, बस सामने से निकल जाते हैं। पता है गाइस क्लास में 99% बच्चे, मतलब जो फॉरेन लैंग्वेज चूज़ करने का होता है ना उसमें 99% बच्चे फ्रेंच लिए, ठीक है। हमारे पास दो ऑप्शन था, एक फ्रेंच था और एक जर्मन था, स्पेनिश था, बट उसमें सर बोले क्या उसमें चूज़ नहीं करना, आप लोगों को ये दो में चूज़ करना है। तो 99% बच्चे चूज़ किए हैं फ्रेंच, पता नहीं क्या चढ़ा था जर्मन चूज़ कर लिया, और मतलब किसी से पूछते ना क्या है फॉरेन लैंग्वेज, तो फ्रेंच सबका फ्रेंच। तो देखिए जर्मन में कितने सारे स्टूडेंट होते हैं एंड कैसा होता है क्लास, पहली बार कोई फॉरेन लैंग्वेज का क्लास करने वाले, पहला एक्सपीरियंस शेयर करते हैं आप लोगों के साथ। हो ही गया है, मतलब 1:50 से क्लास है, 1:45 हो रहा है, 5 मिनट बाद क्लासेस स्टार्ट होगा। जस्ट लुक एट द नंबर ऑफ स्टूडेंट, कितने कम है ना, दो सेक्शन का मिक्स होकर बस इतना सा रहता है। इंतजार करते करते सोचे कि चलो थोड़ा सा हेड डाउन करते और अपने स्कूल टाइम को याद करते, ऐसे होता था ना बच्चा लोग जब हल्ला करता था तो मॉनिटर चिल्लाते आते थे प्लीज पुट योर हैंड डाउन, और ना LIC में ना और ड्राइंग कंपटीशन हुआ था, ठीक है, और हम फर्स्ट हुए थे, मतलब अपने पूरे स्कूल के तरफ से हम फर्स्ट हुए थे और एक भैया थे वो सेकेंड हुए थे शायद, और उसी टाइम ना टीचर्स डे था भाई, इतना ज़्यादा हमको अप्रिसिएट किया गया था, मतलब टीचर्स डे का फंक्शन था उसी टाइम में हम प्राइज जीत के आए थे, वो भी स्कूल से बाहर, तो वो ये बहुत बड़ा चीज़ होता है, एक स्कूल का अवार्ड जितना ही अलग चीज़, लेकिन स्कूल की तरफ से आप स्कूल को जब रिप्रेजेंट कर रहे हो कहीं और जाके, तो LIC की तरफ से जब हुआ था तो हमको याद है वो दिन, वो टीचर्स डे हमको याद है जब। एंड आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा देखना पसंद है वो भी बताइएगा, ठीक है। गाइस इंग्लिश सिखाने जा रहे हैं, इंग्लिश सही से बोलने जा रहा, जर्मन सीख रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा बस। भाई जर्मन का क्लास हो गया लिटरली, देख रहे अभी हम लोग ABCD सीखे, उसके बाद 1-2 सीखे, फिर इधर संडे मंडे, और भाई मेरा नाम देख लो कितना लंबा हुआ, मतलब पढ़ो आप लोग नॉर्मली जो अपना इंग्लिश लैंग्वेज होता है उस लैंग्वेज से मिला के, ईमान से इतना लंबा नाम, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग बैठ के पढ़ लीजिएगा, बाकी जहाँ आप लोगों को कुछ लगेगा तो हमसे पूछ लेगा, हम बता देना। इस बार ना उसको उठा के फेंक देना, इस बार उसको ही उठा के फेंक दो। कैसा लगा था फ्रेंच पढ़ के बाबा, जर्मन का क्या ही एक्सपीरियंस बताए, बस पढ़ लिए, अगर हम जर्मन बोलने लगेंगे तो पता नहीं क्या क्या ही बोल देंगे, मतलब ठीक है यार कुछ लाइफ में ऐड ऑन हो गया, नया नया चीज़ें सीखने को मिल रहा है। खैर अभी हमारा नेक्स्ट क्लास होने वाला है बिजनेस कम्युनिकेशन का, हाँ टीचर्स डे का क्या हो रहा है पहले बताना, बाय मिलते हैं कल। गाइस हमारा तो सेलिब्रेशन हो गया, देख तो चाय का क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा मिल गया 10 रुपये में। एक कैसा रहा निकिता क्लास जर्मन का, तो फ्रेंच का थी क्लास, हम भी सोच रहे थे फ्रेंच का करें क्योंकि बाबा बहुत गर्म लग रहे हैं यार, बाहर का भी नज़ारा देखते रहेंगे क्या, सबको हम ये देखेंगे कि चाय पी रहे हैं।
ये अलग लाइन है, उधर भी अलग लाइन है। बोला गया बस एक लाइन बनाने के लिए, चार चार लाइन बना के हम लोग तैयार है। हम लोग फाइनली ऑडिटोरियम में आ चुके हैं और इधर टीचर का पूरा देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है। हम लोग एकदम गेट के बगल में बैठे और हुए ना जरा सा भी तो भागेंगे यहाँ से उठ के कन्फ्यूज के क्या क्या कैसे कैसे करना है। तो सबको वहाँ पे बैठ के खड़े होकर प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी दो और यहाँ थे वो दोनों भाग गए निकल लिए। I tend to leave the podium and take the stairs. You can see to this that from first floor to the second floor to the 16th floor, all of us, one after the other, we keep climbing up the ladder. तो आज का प्रोग्राम खत्म हुआ और बहुत मजा आया है ना, बहुत मजा आया। हम लोग ये सोच रहे थे कि अभी फ्रेशर्स डे में और ज्यादा मस्ती करेंगे। अभी इसमें क्या पहनना है कुछ भी अभी डिसाइडेड नहीं है। क्या पहनने की सोचिए पता नहीं, अभी तक कोई आइडिया नहीं है क्या होने वाला है उसको, और ना कोई ड्रेस वगैरह लाया है। वैसे ना यहाँ महल्या में मतलब प्रोग्राम होता है, वहाँ आप लोग रंगोली देखोगे, उधर मैं आप लोगों को दिखाए हैं, तो उसमें महल्या का प्रोग्राम होता है, तो उसके लिए कोई साड़ी लेना पड़ेगा। ये तो लेके आई हम भूल गए, क्या कहते हैं हम प्लान किए यहाँ ना एमटी के बाहर मैगी बड़ा बढ़िया मिलता है, हम अभी तक सुने हैं। ठीक है, तो मेरा प्लान है ना किसी दिन बारिश होता है ना तो उस दिन मस्त जाके चाय और मैगी खाएंगे, अंडा वाला मैगी। अभी मेरी एक फ्रेंड है वो बोल रही थी तो जाएंगे, लेकिन उस दिन से पता है बारिश ही नहीं हो रहा। खैर लेट से किस दिन बारिश होता है किस दिन हम मैगी खाते हैं। बाकी अभी तो निकल रहे हैं घर, प्रोग्राम बहुत सही रहा, मतलब मजा आ गया यार। ऐसे तो डांस वांस देखो हमको आता नहीं है, लेकिन लगता है ना कि जब कोई डांस करता है ना सामने से वो भी 90s 80s के सॉन्ग पे, तो मन करता है एकदम वाइब करे और मन करता है स्टेज पे चले जाएंगे एकदम। सुंदर लाइटिंग है यार ये कॉफी हाउस का, देख लो क्या मस्त येलो येलो लाइट आ रहा है। बाकी चलिए अभी चल रहे घर यहाँ से, तो मतलब इको स्पेस के थोड़ा पहले है, मतलब एमिटी मोड़ के ना पैदल ही जाते हैं, उसका फिर वहाँ से बस मिलेगा, फिर बस से चले। थके इतना ज़्यादा है कि कुछ करने का हिम्मत नहीं है, लेकिन क्रेविंग चिकन बिरयानी का जो कल से चढ़ा है ना वो इतना ज़्यादा है कि थकावट नहीं दिख रहा। हम सोच रहे हैं कि क्यों ना चिकन बिरयानी घर पे ट्राई करते हैं, मतलब सिंपल सिंपल ही बनेगा क्योंकि सारा चीज़ तो वैसे है नहीं, बिरयानी मसाला वगैरह कम है, और मे भी किचन जाने के बाद पता चले फिर कि और क्या क्या कम है। तो फिलहाल चिकन ले लेते हैं, लौटने के टाइम चावल वगैरह तो हम लाए थे जो घर से वो अभी तक पड़ा हुआ है, तो देखते हैं क्या कैसे बनता है। आई डोंट नो कैसे बनाएंगे, आई डोंट नो क्या क्या सामान है मेरे पास, कैसे बनने वाला है आज का बिरयानी, बट हम लोग चलिए बनाते हैं। बिरयानी में दम लगाने का ये मतलब ऑप्शन, एक तो पानी बॉयल करके डाल देंगे ना, मतलब पानी बॉयल वाला कभी करेंगे तो आप लोगों को बताएंगे। बाकी देखिए बिरयानी बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है इसमें ना, बस वो कलर का कमी है,
बाकी स्मेल वगैरह बहुत बढ़िया आ रहा है, आप लोग रेसिपी चेक करना यार, हम पहले खा के बताएंगे तब आप लोगों को बोलेंगे रेसिपी चेक करना है। पता है ये वाला चावल का ना को अंदाजे नहीं लगा, मम्मी को बाद में कॉल किए थे कि देखो ना चावल कितना बढ़ गया, तो मम्मी बोले नफीस चावल बहुत ज्यादा बढ़ता, मतलब डबल हो गया लिटरली, इतना चावल आप लोग देखे थे। तो चलो कोई ना, सुबह सुबह का काम आ जाएगा। क्या जरूरत है, क्या जरूरत है हमको कभी मार्केट जाके कुछ खाने का, इतना अच्छा खाना बनाते हैं यार, आप लोग बिलीव नहीं करोगे इतना टेस्टी बनाई है, मतलब सच में बहुत टेस्टी बनाया है, बहुत टाइम के बाद उस तरह से मैं इतना अच्छा बिरयानी खा रहे हूँ। भाई यहाँ 2 दिन खाए हमको एकदम नहीं पसंद आया,